प्रदेश सरकार को बने हुए लगभग 6 महीने हो गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार विकास कार्य करवाने में पूरी तरह से विफल रही है और केवल मात्र तबादले करवाने में भी अपना समय व्यय कर रही है। ये आरोप हमीरपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने लगाए। पठानिया ने आरोप लगाया है कि हमीरपुर के विधायक क्षेत्र में विकास करवाने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीमों पर भी काम नहीं हो रहा है। साथ ही पठानिया ने कहा कि भाजपा के छुटभैया नेता अधिकारियों और जनता को डरा धमकाकर अपना काम करवा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि भाजपा की सरकार विकास की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केवल मात्र तबादले करने में लगी हुई है और विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों के हितों में काम करने की बजाय लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। सरकार को लगभग 5-6 महीने हो गए, इन्होंने 100 दिन का एजेंडा तैयार करने की बात की थी। हमें नहीं पता कि वो 100 दिन का एजेंडा क्या तैयार हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उस पे जहाँ हमीरपुर चुनाव क्षेत्र का जो प्रश्न है, इसमें जो हमारे विधायक हैं वो उसमें अपनी जो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, और जो पिछली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने इस कंस्टिट्यूंसी में इस चुनाव क्षेत्र में लोगों की कठिनाइयों को और लोगों की समस्याओं को देखते हुए लमलू में उप तहसील का दर्जा घोषित किया है, जिसकी सारी कार्रवाई हो गई थी, और नई सरकार में आने के बाद 6 महीने की समीक्षा करने के चक्कर में अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीती केवी का एक सब स्टेशन कसोता में था, एक खग्गल के पास लगाना था, उसके ऊपर अभी तक कोई हमें धरातल पे कोई उस पर कार्य नहीं नजर आ रहा है। और साथ में ही लबड़ू में पीने के पानी की फाउंडेशन की थी जो ब्यास दरिया से आना है, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार सिर्फ लोगों के हित में काम करने की बजाय लोगों को परेशान करने में लगी हुई है, और इनके जो ट्रांसफर है तबादला में इन्होंने पूरा जोर दे रखा है, और इनके जो छोटे भैया नेता है जो न्यू सेंस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं और अफसरों को अधिकारियों को डरा रहे हैं और अपना जो लूसीदा कर रहे हैं, और उन लोगों ने इस वक्त जो लोगों में त्राही त्राही लगी हुई है, इस पे भी विधायक उनको रोकने में नाकाम हुए हैं।